गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 31 जुलाई, मंथ का लास्ट डे। एंड अभी मैं सुबह उठ गया था 4:30, एंड अब बजने वाले हैं 6 बजने वाले हैं। इतनी देर में मैंने फ्रेश भी हो लिया हूँ, मैंने ये अपना शॉर्ट्स ये भी धो लिया था आज सुबह सुबह, काफ़ी दिन हो गए थे। एंड साइकिल पे सामान अपना लोड कर लिया पूरा अच्छे से, पंप से हवा डाल दिए पूरा। और अभी मैंने टारगेट देखा तो वाप भी मैंने सोचा था पास में है, दूर है क्या, तो वापी तो 52 किलोमीटर है। तो मतलब उसका मतलब है अपन वापी को दोपहर तक क्रॉस कर लेंगे या फिर वापी पहुंच जाएंगे। फिर तलासरी ऐसा कुछ है आगे जो कि 82 किलोमीटर बता रहा है, और अपन आप तो यही है कि पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही 100 किलोमीटर 95 किलोमीटर चल रहे हैं, तो उससे आगे देखेंगे कहाँ पर पहुँच सकते हैं। आज का तबीयत एकदम ठीक है, आज की जर्नी अब स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली अपने रूम की हालत ये है। सो तो मस्त हो, घोड़े 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 बेच के कहते ना, खाना खाया था तो अब इस रूम को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। बाय। आजकल सुबह सुबह क्या बहुत तेजी से भूख सी फील होने लग जाती है, जैसे नाश्ते के लिए कहते हैं ना। कल तो अपन ने चलने से पहले कर लिया था, पर आज यहाँ पे इतना अरेंजमेंट, यहाँ पे बुफे था, मेरा सुबह का फ्री था ब्रेकफास्ट, पर वो लगने वाला था 9 बजे, शायद 9 बजे 8 बजे ऐसा कुछ बता रहे थे। तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, निकलना होगा, जरूरी है। अपन रास्ते में कहीं कर लेंगे, आज जल्दी चलेंगे, 6 बजे तक अपन अब निकल रहे हैं, बाहर साइकिल तैयार है, चलो। अभी चलने के आसार दिख तो नहीं रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही है। चलने लायक है, अपना रेनकोट पहन के चल सकते हैं अपन। और रोशनी हो गई है, अभी बिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है। अभी चलने के बाद में सड़क की कंडीशन तो अच्छी है, पहले कल जैसे नहीं है, कल कितना कीचड़ था आपको दिखाया था हमने। मुंबई वाले फीलिंग आने लग गई है, ये बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। मैं रेनकोट पहन रहा हूँ, जैसे ही रेनकोट का सोचा बारिश रुक गई। एंड ये देखो अभी 6:10 हो गए हैं, अभी निकल रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। भाई साहब, इतनी तेज बारिश हुई थी ना, इस ट्रिप की सबसे खतरनाक वाली बारिश मैंने देखी है। मुँह ऐसे टेढ़ा करके रेनकोट का पहन रखा था और मुँह ऐसे टेढ़ा करके चलना पड़ रहा था। यहाँ से वापी है 37 किलोमीटर और मनोर है यहाँ से 115 किलोमीटर। हाईवे साइड चलते जा रहे हैं, नाश्ते के लिए कहीं रुकाने के लिए ऐसी कोई दुकान भी अच्छी मिली नहीं, तो हमें क्या कोई अच्छा सा कोई देखेंगे। अभी वैसे भी टाइम बहुत जल्दी है, अर्ली मॉर्निंग है ये, तो कोई खोलता नहीं है, तो कोई अच्छी जगह देखें फिर वहाँ नाश्ता करेंगे। कल की डेट में क्या सानिदा और अलका याग्निक जी जयपुर आए थे, तो मेरे पास इतने वीडियो आ चुके हैं व्हाट्सएप पे अलग अलग जगह से कि देखो सानिदा वहाँ है, सानिदा वहाँ है। सुबह के 10 बजे हैं और मैं शायद 30 किलोमीटर से आगे आ चुका हूँ। एंड आज की डेट में मैं महाराष्ट्र घुस जाऊँगा। और एक और चीज़, मैं हाईवे पर नहीं चल रहा हूँ, हाईवे के पास में जो सर्विस लाइन होती है, लाइक वो हाईवे है कट जा रहे हैं, और यहाँ पास में जो सर्विस लाइन होती है मैं उस चीज़ को जाता हूँ। मानता हूँ कि मतलब ट्रक वाले देख के चलते हैं, फिर भी कोई भी गलती हो सकती है, मतलब मैं भी खुश हो सकता हूँ, साइड में कीचड़ हो जाता है, पर ये रोड क्या एकदम खाली रहती है, तो इस पर आराम से चलता रहता हूँ। बस 2 दिन की और बात मुझे लग रही कि 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। पूरी जर्नी की एक बात अच्छी रही है, वो ये है कि मेरी साइकिल एक बार भी नहीं गिरी है रास्ते में कहीं पर भी, ना चलाते वक्त ना खड़ी है तब, बहुत सेफ्टी से रख रहा हूँ। 11:30 हो रहे हैं, काफ़ी देर मैंने आराम कर लिया, और रात का बताता हूँ, रात में लेट सोया था, उसका असर दिख रहा है, ऐसे नींद से आ रही, इतनी ज़्यादा भी नहीं आ रही,
अभी मौसम देख सकते हैं आप, थोड़ा धूप हो रखी है, बरसात का मौसम है नहीं। अब आगे चलते हैं अपन, अभी शायद मैं वापसी में पता नहीं कहाँ। मैं कोई सिंपैथी के लिए चीज़ें नहीं बता रहा, बट अभी क्या है कि मैं जब चलता हूँ तो सुबह और शाम पर उठे नहीं, से वहाँ से बात हो जाती है। अभी क्या दोपहर को वीडियो कॉल हो रहा था, तो मेरे क्या कि मम्मी है जो वो अभी हाउस वाइफ तो है, बट कभी कभी खेतों में काम करना है इस तरह से अब भी करती हूँ, पैसों की जरूरत रहती है। अब भी है मेरे, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ खूब पैसे कमाने की, पर घर की हालत ठीक नहीं है। तब मेरे माँ ने ये कहा कि बेटा मैं इतने दिन तो काम कर रही थी, जब से तू गया तब से मेरी हिम्मत टूटी हुई थी कि वही बात मुझे मुझे सुनकर मुझे थोड़ा सा ऐसे बहुत अजीब सा इमोशनल ऐसे हो गया। मैं उस टाइम पर ऐसे जाहिर नहीं करना चाहता था माँ के सामने, नहीं तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। बट एक तरह से देखा जाए तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कुछ भी एफर्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, पापा के लिए कर रहा हूँ। इतनी बड़ी जर्नी भी उन्हीं के लिए है। एक गलती वो मैंने दोबारा बताऊँगा, रात को लेट सोया था, मुझे सुबह आराम से उठना चाहिए था, इसके बजाय आज मैं जल्दी और उठा, 4:30 उठ गया और मुझे आराम करना चाहिए था। अब मेरे ख्याल बार बार आँखें बंद हो रही है, लाइक सड़क पर न्यूरी पर ऐसे नींद आ रही है, तो अभी देख रहा हूँ कोई पेट्रोल या होटल लाइन, अभी कोई होटल आ नहीं रहा रास्ते में, कोई होटल मिलेगा तो वहाँ पर स्टे करेंगे। तो दोस्तों ये है गंगा डैम, मेरी लाइफ में पहली बार इतना लूज डैम देखा मैंने, इतना भयंकर पानी गिरते हुए इस तरह से, और काफी रोमांचित है ये। तो टाइम हुआ है 1:30 और यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैं एक छोटी छपरी टाइप है और वहाँ पे बैठा हूँ आराम करने के लिए। आज बहुत लेट रुका हूँ रेस्ट करने के लिए, कोई ना लेट चल लेंगे क्या दिक्कत है। और यहाँ हवा बहुत शानदार चल रही है, अब ये शानदार तभी लग रही है जब मैं बैठा हूँ, अगर यही मैं अगर चल रहा हूँ मूवमेंट कर रहा हूँ और उस टाइम पे चले तो मुझे बाद में दिक्कत देती है। आज की जो सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे हो रही है वो हो रही है कि अंडरवियर की वजह से क्या मोमेंटम हो के स्किन है वो उतर चुकी है और वो बहुत जलन दे रही है। ये पहले भी तो हो रही थी जलन, पर इतनी उतनी नहीं थी, पर आज बहुत ज़्यादा पैन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान खींच रही है। मैं कैसे भी करके ना आगे खींच रहा हूँ साइकिल को, बस कैसे ना कैसे एक दो दिन और हैं ऐसे कर करके निकाल रहा हूँ, फिर तो ये पैन ख़त्म हो जाना ही है। मुझे इतनी तेज झपकी आ रही है ना बैठे बैठे कि मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं सुबह आराम से क्यों नहीं चला, बहुत गंदी झपकी आ रही है। मैं कैसे भी बैठा हूँ यहाँ पे, बस हवा चल रही है तो बहुत ज़्यादा इसलिए, और काफ़ी देर से मैं इस पेट्रोल पम्प से पहले कहीं पे भी कोई होटल या रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं मिला मुझे, सो मैं कॉफ़ी पी सकूँ, चाय पी सकूँ या फिर खाना भी मुझे भूख लग रही है। देखते हैं आगे जाके खाना भी खाना है एक बार, तो फिर मैं कॉफ़ी वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे पीऊँगा कि शाम तक अपने कोई होटल पकड़ लूँ, वहाँ पे पक्का वादा है मैं अच्छा नींद कंप्लीट लूँगा, जल्दी सोऊँ ना सोऊँ सुबह आराम से उठ जाऊँगा। इतनी भयंकर नींद आ रही थी, मुँह धो के आया हूँ और मतलब वो चेयर छोड़ दी जिसपे सहारा लेते हैं कि मैं एकदम बिना सहारे के बैठूँगा। पैन तो वो हो रही है चलने में, मतलब छिल गया ना, उसके अलावा एक और है कि मेरे जुकाम भी हो रही है, नाक में बार बार बह रही है। मुझे बीच में कोई बढ़िया क्या हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा है, मैं चलता जा रहा हूँ कोई हॉस्पिटल दिखता ही नहीं है, ताकि मैं एक इंजेक्शन खा लूँ और जुकाम सही हो जाए। मैं नहीं चाहता सानदा से मिलूँ उस टाइम पर मुझे कोई जुकाम हो सकता है वो गाने सुनने का हो उनका, तो उनको गाने सुनाऊँ तो मेरी नाक ख़राब नहीं होनी चाहिए। अभी वहाँ पेट्रोल पंप से तो चले काफ़ी देर हो गई, एक क्लिनिक दिखा था वहाँ पे आया हूँ, डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया है और उन्होंने इंजेक्शन लगाया और अभी दवाई दी। तो टाइम हो रहा है 4:30 और मैं महाराष्ट्र में एंटर कर गया हूँ, यस। और अपडेट ये है कि मैंने इंजेक्शन लिया था, दवाई ली है, इंजेक्शन
सिर्फ नाक बह रहा था उसके लिए लिया है मैंने, कि वो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बह रहा था और बार बार क्या डिस्टर्ब कर रहा था। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नींद एक्सट्रीम लेवल की मुझे आ रही है। अभी भी मैं चलते चलते पानी पी रहा हूँ, मुँह पे पानी डाल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अभी रास्ते में देख रहा हूँ कोई होटल मिले ना, तो मेरा आज वैसे मन कर रहा है कि मैं अभी सो जाऊँ जाके। आज गलती कर दी यार, सुबह नहीं निकलना चाहिए था। पूरा एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र में घुस गया हूँ और यहाँ पे एक होटल पे चाय ली है मैंने, ताकि नींद थोड़ी कम हो। मैंने चेक किया, यहाँ से 10 किलोमीटर पर एक होटल है जहाँ पर मैं रूम ले सकता हूँ। अगर मिल जाता है तो वहीं पर स्टे करूँगा, आज तो आराम करेंगे। अभी मैं चलने को आऊँ और बहुत हल्की हल्की बारिश, जैसे ओस सी गिरती है वैसी बारिश। आपको दिख नहीं रही ना, तो देख लो तो बारिश हो रही है। हाँ, तो होटल बुक कर लिया है। अभी 6:20 बजे हैं और बस वो नींद की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैं और भी चल सकता था अभी, पर कोई दिक्कत नहीं। अभी ज़्यादा दूर नहीं है ऐसे, और आराम करना ज़रूरी है। 2 बार मुझे आदत थी, उस हिसाब से मैंने बढ़िया रहा ये होटल ले लिया। ये रूम देख लीजिए आप, ये डबल बेड नॉन एसी ले लेता हूँ। बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है होटल, पता नहीं क्यों। चलो थोड़ी देर लेटता हूँ मैं, अगर मैं नींद आई तो मैं सो ही जाऊँगा। मैं खाने वाने का देखेंगे। हाँ, मुझे पता खाने बिना मुझे नींद नहीं आती, फिर भी आराम करता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो नींद का आलम कितना, ये बताने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक जैसे मैं उस क्लिनिक पे गया था, तो वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट लेके मैं वहाँ से निकल गया। फिर पीछे से स्कूटी पे आया वो, और उसने मेरे को मेरे ब्लूटूथ ये हेडफोन्स, ब्लूटूथ ही बोलते हैं इनको, ये पकड़ाए कि भाई साहब आप भूल गए थे। देखो कितना, मैं पूरे रास्ते कुछ भी नहीं भूला। और अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया है, मैं नीचे, हाँ, साइकिल से वो ताड़पत्री होती है ना, जो मैंने सामान कवर करने के लिए बरसात से बचाने के लिए, वो ऐसे नीचे गिरा दी और चलाया। फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ दी कि सर ये भी लेके जाओ। इतना माइंड अभी सुन्न हो रखा है, देखो नींद की वजह से। अभी 7:30 हो रहे हैं, मैं नीचे खाना खाने आया हूँ। इंजेक्शन लगने के बाद से मेरा ये नाक बहना बंद हो गया है। एंड ये रोस्टेड पापड़ तो मेरे लिए एक तरह से आदत बन चुकी है, मेरे को बहुत पसंद है ये। पहले कभी खाया नहीं, इस जर्नी में स्टार्ट किया मैंने खाना। आलू गोभी की सब्ज़ी अभी ऑर्डर करूँगा। मच्छर बहुत है, पंखा बंद करवा रखा है, क्योंकि मैं, मुझे लग रहा है मैं बीमार हो जाऊँगा इससे। और वही रोटी मंगाएंगे, छाछ मंगाएंगे। उसका इतना स्ट्रगल होता है, सामान को अनलोड करो और उठा के तो वो होटल वाले ले आते हैं रूम तक। उसके बाद में क्या होता है कि कपड़े धो, नहाना भी होता है। खाना खाना तो स्ट्रगल नहीं कह सकते इसको, पर कपड़े धोना ये सब ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि एक्स्ट्रा है, पर ये ज़रूरी भी होता है। कपड़े धुले होते तो फ्रेश फ्रेश भी रहता है। और साथ में क्या, साइकिल भी मैं धोता रहता हूँ। साइकिल को मैं सुबह धोऊँगा, साइकिल अभी मैं रूम में ले आया हूँ, यहाँ पे खड़ी है, और इसको सुबह धोएंगे। कल का मैंने ऐसा कोई विशेष कुछ प्लान किया नहीं कि मुझे कहाँ तक, जैसे कि मुझे पता ही कि मुझे तो चलना ही है, मैं अपने आप आगे बढ़ता रहूँगा और अपने आप बीच में कोई ना कोई होटल मिल जाता है। इस हिसाब से अपन कल का चलेंगे, परसों मेरे हिसाब से अपना डेस्टिनेशन है वो अपन ले लेंगे। एक चीज़ और, मेरा दोस्त है अभिषेक, उसने भी टिकट बुक करा ली है। वो परसों चलेगा, तो परसों से अगला तरसों दिन होता है, उस दिन वो मुंबई पहुंच जाएगा, तो हम साथ मिलकर मुंबई घूमेंगे। आप बात करोगे कि भाई सानुदा के बारे में इतनी बात क्यों नहीं करते, मुझे ऐसा जरूरत लगती नहीं कि भाई मैं उनके बारे में इतनी बात करूँ। जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो सारी बातें एक साथ हो जाएंगी। हमारा प्लान है कि सानुदा से जब भी मुलाकात होती, शुरुआत में हो चाहे लास्ट में हो, हमें मुंबई भी घूमना है। वहाँ पे खूब घूमेंगे, नई नई जगह देखेंगे, क्या होता क्या एक्सपीरियंस लेंगे। सामदा से मुलाकात तो होगी ही। फिलहाल के लिए इतना ही, खाना खा के ऊपर आ गया हूँ, कपड़े धो दिए मैंने, अभी मैं सोने जा रहा हूँ और भरपूर नींद लूँगा। अलार्म ऑफ कर रहा हूँ, सुबह आराम से उठूँगा, फ़ोन भी साइलेंट मोड पर डाल रहा हूँ। एक व्लॉग आज का डाल दिया मैंने और एक ये व्लॉग बन रहा है, ये भी एक दिन डल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। गुड नाइट।